हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं आळंदी में स्थित संत श्री गजानन महाराज मंदिर। आळंदी वैसे तो संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के लिए फेमस है। उसी मंदिर से, संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर है। ये आळंदी मोशी रोड के ऊपर ये मंदिर है। ये मंदिर शेगांव के श्री संत गजानन महाराज मंदिर ट्रस्ट से बनाया गया है। ये मंदिर काफ़ी सुंदर और बहुत ही विशाल मंदिर है। ये पूरा संगमरवर का बनाया हुआ मंदिर है। इस मंदिर में आने वाले भाविकों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा बनाई गई है। भक्त निवास बनाया गया है। जो भी देहू और आळंदी के लिए भाविक करते हैं, उनके रहने के लिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। इस मंदिर का जो भक्त निवास है, उसके जो रूम्स है वो एकदम नीट और क्लीन है, और यहाँ दोनों टाइम महाप्रसाद भी दिया जाता है। इधर आप राइट में देख सकते हैं प्रसाद आलय। इस मंदिर में जो भक्त निवास बनाए गए हैं, उस भक्त निवास को सारे महाराष्ट्र के सारे संतों का नाम दिया गया है, जैसे संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे अलग अलग नाम दिया गया है। ये सीधा हम अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और ये मंदिर का परिसर काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर दिखता है। ये सामने आप देखते हैं, वो आप सामने मंदिर है, और ये साइड, दोनों साइड में भक्त निवास बनाए गए हैं। तो लेफ्ट साइड में चप्पल स्टैंड है। आषाढ़ी एकादशी और कार्तिकी एकादशी के दिन इस मठ में काफ़ी भीड़ रहती है। पालखी के लिए आने वाले सारे भाविक या भक्त यहाँ रहते हैं। ये देख सकते हैं आप मंदिर का नज़ारा। इसमें डेली क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं, इसका एक लिस्ट बनाया गया है, इधर आप देख सकते हैं। इस मंदिर में गजानन महाराज प्रकट दिन बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और बहुत सारे उत्सव टाइप इसमें मनाया जाता है। माघवद्य सप्तमी शके 1800 में, मतलब 23 फरवरी 1878 में संत श्री गजानन महाराज बुलडाणा के यहाँ प्रकट हुए थे। वही उनका प्रकट दिन माना जाता है। ये देखिए, काफ़ी हरियाली मंदिर में दिखाई दे रही है। साथ में इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि फूल वगैरह तोड़ना मना है। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर की कला कौशल कितनी काफी खूबसूरत है। यहाँ के जो लोग भक्त हैं, ऐसे भी करिए, बहुत ही आदर और भक्तिभाव से एक दूसरे से बात करते हैं। सबको माउली माउली करके बुलाते हैं।
इधर आप देख सकते हैं अभी मंदिर में ऊपर जा रहे हैं हम लोग। हालांकि मेन एंट्रेंस जहाँ मंदिर का मेन एंट्रेंस है वहाँ शूटिंग करना अलाउ नहीं है। ये देखिए ऊपर से नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है। ये मंदिर मेन मंदिर के नीचे यहाँ ना एक ध्यान मंदिर है, तो जितने भी लोग आते हैं वो ऊपर में दर्शन करके नीचे आके थोड़ा देर नामस्मरण या फिर ध्यान करते हैं। आप जब भी संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि देखने जाइएगा तो आते समय इस मंदिर को जरूर विजिट कीजिए। इस मंदिर में व्यवस्था काफी अच्छी बनाई गई है, एकदम साफ सुथरा रखा है मंदिर को, परिसर को रखा गया है। गजानन महाराज हमेशा कहा करते थे गण गण गणात बोते ही। तो एक भक्त ने उनसे पूछा ये गण गण गणात बोते का मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला पहला गण मतलब अपना जीव या जीवात्मा, दूसरा गण मतलब शिव या शिवात्मा, और तीसरा शब्द गणात मीन्स अपने दिल में अपने हृदय में, और बोते का मतलब है पहा बगा, मतलब जीव और शिव को अपने हृदय में देखो। ये ऊपर से देख सकते हैं आप। गजानन महाराज ने शेगांव में लोगों के काफी सारी समस्याएं दूर की, कुछ चमत्कार भी दिखाए। ये आप देख सकते हैं मंदिर में हरियाली का परिसर। इस मंदिर में आने के बाद काफी सुकून और मन शांति का अनुभव होता है। वैसे महाराष्ट्र में आषाढ़ी का एकादशी और कार्तिक एकादशी के दिन देहू और आळंदी से पालखी निकलती है पंढरपुर के लिए, तो वहाँ जाने के लिए जो भी भाविक है वो भाविक इस मंदिर में रुकते हैं या ठहरते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर इस मंदिर को विजिट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।